वाह, खाना तो बहुत जायकेदार लग रहा है। बिना चखे ही तारीफ शुरू कर दी। अरे नहीं भाभी, खुशबू ही ऐसी आ रही है, और वैसे भी आपके हाथ का बना खाना हो और लजीज ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज लगता है बहुत मूड में हो, वरना आपको मालूम नहीं है कि अमन से बात करके ऐसा लगता है जैसे इसके पास जुबान नहीं है, सिर्फ कान ही कान है। सच्चाई को नजरअंदाज तो नहीं कर सकता ना। अगर ऐसी बात है तो फिर एक और डिश आने बाकी है जिसे तुम कतई नजरअंदाज नहीं कर सकते, पता है? वो है तुम्हारी फेवरेट पेशावरी बिरयानी। अरे वाह, तो फिर लाइए ना, किसका इंतजार कर रही हैं? अरे लाइए नहीं, कहो मंगाइए ना। अरे भाई पेशावरी बिरयानी लेकर आओ, यहाँ सब बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। आदाब। आदाब। तो इत्तेफाक से हम फिर मिल गए। इस बार इत्तेफाक से नहीं, तकदीर से मिले हैं। अरे बरकुदार बैठो, खाना खाओ। जी। उससे क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं। अरे तो इतनी देर तक उसे देख क्यों रही थी? खुशबू, तू भी ना कुछ का कुछ समझने लगती है। तो सिर्फ इतना कह रहा था कि मैंने बिरयानी बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा, बिना टेस्ट किए तारीफ? हाँ। मामला तो बहुत गड़बड़ लग रहा है, ये है कौन जनाब? अरे भाई सुनो, ये क्या खुसर-फुसर हो रही है वहाँ पे? कुछ नहीं सर, मैं तो चांदी से पूछ रही थी कि ये जनाब कौन है। ओफो। क्या हुआ सर? अरे मैं तो तुम लोगों का इंट्रोडक्शन करवाना ही भूल गया। बाय द वे, ये है अमन और ये है चांदनी। चांदनी? जी, चांदनी। चांदनी? जी, चांदनी। चांदनी? अरे ये क्या चांदनी चांदनी लगा के रखा है। एनीवे, ये है खुशबू और ये मेरे दोस्त अमन मलिक। दैट्स राइट। देखो ये शक्ल से ही अमन पसंद नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये चक्कर है। तो कुछ गड़बड़ नहीं है। Very pleased to meet you, Mr. Aman Malik. आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, है ना चांदनी? अरे इसमें इतना शर्माने की क्या बात? भाई इसी बात पे एक शेर याद आ गया। जी इरशाद। शर्मा गए खुद ब खुद, शर्मा गए खुद ब खुद, बयान न हो सके जो जज्बात। वाह। एक और मुलाहिज़ा फरमाइए। लगता है ये सिलसिला बहुत लंबा चलने वाला है। ये लोग तो अपनी शेरो शायरी में बिजी हो गए। चलो लेट्स गो आउट। करिश्मा हर पल हो रहा, तकदीर में सब लिखा है। प्रोफेसर खालिद, जो तकदीर के बारे में कह रहे थे, हमारी मुलाकात के बारे में भी कहा जा सकता है ना? शायद। क्यों, आपको क्या लगता है? शायरी सिर्फ तसव्वुर का एक हिस्सा है, हकीकत का उससे कुछ लेना देना नहीं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मुझे तो खुद पोइट्री का बहुत शौक है। अच्छा? हाँ हाँ, ये तो सच कह रही है, कम से कम इस बार। स्टॉप इट। अब रुकने का नहीं, सुनाने का वक्त आ गया है। क्या कह रही है तू? यही कि चांदनी अपनी लिखी एक पोएम सुनाएंगी। खुशबू, दैट्स इनफ। अरे जा।